पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की बात करें तो जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक टिप्पणी की तो उसके बाद जो है अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने एक टिप्पणी की, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगर बात करें तो उन्होंने एक तीखी प्रतिक्रिया जो है उस स्टेटमेंट के ऊपर दी। आखिर सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की बात करें तो उन्होंने ऐसी क्या टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप बहुपक्षवाद की सफलता देखना चाहते हो तो आप भारत कश्मीर की बात आने पर जो है यूएनएससी के प्रस्ताव को लागू करने की अनुमति दे सकते हैं और साबित करें कि बहुपक्षवाद सफल होता है और साबित करें कि आपकी भारत अध्यक्षता में यूएनएससी सफल हो सकता है और हमारे क्षेत्र में शांति प्रदान कर सकता है। जब पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर जब यह टिप्पणी की उसके बाद अगर बात करें विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को कहा कि ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले पर कैसे विश्वास किया जाए और इसके अलावा तीखी प्रतिक्रिया देते उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से सीमा पार आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश पर लागू होता है और ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करना और ना ही पड़ोसी देश की संसद पर हमला करना इस परिषद के सामने उपदेश देने के लिए प्रमाण के रूप में काम कर सकता है। तो लगातार वहां पर इस तरह के बयानबाजी जो है साफ तौर पर देखने को मिली, क्योंकि जब एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को करारा यह जवाब दिया क्योंकि जब उन्होंने कश्मीर पर इस तरह की टिप्पणी की। और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने प्रतिक्रिया में यह भी कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा यूएन में कश्मीर टिप्पणी के बाद जो है इस तरह का जवाब उन्होंने दिया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता में चल रहे दो उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए जो है अमेरिका पहुंचे और ये उस तरह की बयानबाजी जो है साफ तौर पर देखने को मिली। और इसके अलावा अगर बात करें तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि विवाद के पक्ष में जो बहु पक्षीय है प्रक्रियाएं हैं वो एक दिन में सुधारों की वकालत नहीं कर सकते हैं और या तो अगले द्विपक्षीय रास्ते पर जोर दे सकते हैं या फिर एक तरफा समाधान लागू कर सकते हैं। और कश्मीर को लेकर बिलावल भुट्टो ने कहा कि परिषद को संघर्षों और विवाद को हल करने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। तो ये लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है कल के यूएन की बैठक की बात करें तो पाकिस्तान को ये करारा जवाब दिया और एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि लादेन को पनाह देने वाले देश पर कैसे जो है विश्वास किया जा सकता है। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में जो है देखने को साफ तौर पर मिले। इस पर आप पर की क्या कमेंट्स है जरूर जो है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।